अपना गरीब ठेला पट्टी वाला सबसे ज्यादा तो वही लोग का दिक्कत है। अभी महंगाई इतना तेज हो गई क्योंकि वो युवा हैं, बिहार के युवा को समझेंगे, इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने बिहार के। सिर्फ कमाई दे, उसके अलावा कोई रास्ता गरीब को नहीं है। कमाने देगा अच्छा से गरीब अच्छा से रहेगा, अब उसको तो रहन सहन बनाना अपना हाथ में उपाय। देखिएगा मांग करते हैं सरकारी नौकरी, जब मिलता है तो फिर कानी लड़का भी ऐश्वर्य खोजता है। परेशानी, हम लोग गरीब दुखिया मजदूर हम लोग आदमी है, काम धाम नहीं मिलता है, यहाँ क्या करें हम लोग का। इस वक्त हम मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है गांधी मैदान। गांधी मैदान में यहाँ पे कुछ ठेले वाले हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस कोरोना महामारी के दौरान इनके व्यापार पर क्या असर पड़ा है और ये इस मौजूदा सरकार से कितना संतुष्ट है। सर आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुमार। संजीव कुमार, क्या फर्क पड़ा है सर आपके व्यापार पे कोरोना महामारी के दौरान? छोटा मोटा जो बिजनेस है तो बहुत दिक्कत है, बहुत काफी दिक्कत हो चुका हुआ है। क्या दिक्कत हुआ? आज इसमें कोई चीज सुन थोड़ी रहा है, बहुत काफी दिक्कत हुआ गरीब। सरकार से आप कितना संतुष्ट है? नीतीश सरकार से तो आदमी संतुष्ट तो था ही, लेकिन इतना सामान तो महंगा हो गया। शिक्षा इनके पास था, शिक्षा बहुत आदमी को दिया, लेकिन अभी के डेट में अभी कुछ नहीं कर रहे नीतीश सरकार, कुछ नहीं। अभी इससे पहले बहुत कुछ किए। हाँ, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार सरकार कुछ बदलना चाहिए। किसकी सरकार, किसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? बदलना जो अच्छा होगा फिर हो जाएगा, अभी थोड़ी ना बता देंगे अपना मन जी। तेजस्वी यादव। क्यों तेजस्वी यादव को बनना चाहिए? क्योंकि वो युवा हैं, बिहार के युवा को समझेंगे। अच्छा। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस बार तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने बिहार के। तो आपकी बार तेजस्वी सरकार जी। अच्छा, इस सरकार से आपको क्या दिक्कत है, इस सरकार से आप क्यों संतुष्ट नहीं है? संतुष्ट नहीं है, हम लोग लॉकडाउन लगाए, हम लोग बिहार वासियों को कभी भी जनता के सामने नीतीश जी नहीं आए, क्या है जनता जी रहा है कि मर रहा है, कभी भी जनता के सामने नहीं आए। इसीलिए चाहते हैं कि इस बार क्यों नया सरकार बने, बिहार वासियों बढ़िया से उनको पालन करें, इसीलिए हम चाहते हैं इस बार तेजस्वी सरकार आवे। तो आपको लगता है कि तेजस्वी आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? उतरेंगे क्यों नहीं, मौका देना चाहते हैं। अच्छा, तेजस्वी को नहीं करेंगे तो उनको भी हटाया जाएगा। अच्छा। क्या नाम हुआ सर आपका? राहुल कुमार। राहुल कुमार, क्या करते हैं सर आप? हम लोग दुकान रोड पे बिजनेस करते हैं, ठेला पे। सर, इस कोरोना महामारी के दौरान आपको क्या परेशानी हुआ है बताइए आप? बहुत परेशानी हुआ, हम लोग डेली कमाए खाए वाला है, हम लोग डेली कमाए खाए वाले हैं, हम लोग दर दुकान नहीं लग रहा था इसीलिए। अच्छा, करेंगे हम और जानने का प्रयास करेंगे। ये देखिए, ये भी एक व्यवसायी हैं जी। अब की बार किसकी सरकार? भैया किसी को सरकार आवे, गरीब आदमी को कोई भलाई नहीं है। ऐसा क्यों लगता है आपको? हाँ, ऐसा लग रहा है आज से नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? नंद किशोर प्रसाद। हाँ, किसी को भलाई गरीब को नहीं हुआ है अच्छा तरीका से, झूठ मूठ कर देगा, थोड़ा बहुत कर देगा, लालच दे देगा, हो गया पेपर में खाली बस। अच्छा, ये बांकीपुर से अभी कौन जीतेगा? अब इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं हम बता सकते हैं, क्या उन जीतेगा अभी उसका तो। अच्छा ठीक है, आपको इस सरकार से क्या परेशानी है? हम कुछ नहीं परेशानी है, किसी से परेशानी नहीं है, सिर्फ कमाई दे, उसके अलावा कोई रास्ता गरीब को नहीं है। कमाने देगा अच्छा से गरीब अच्छा से रहेगा, अब उसको तो रहन सहन बनाना अपना हाथ में उपाय है। पढ़ाई लिखाई करना किसी को पकड़ के हाथ उसको नहीं पढ़ा देगा, वो अपना सोच है। आपको क्या लगता है किसको आना चाहिए इस बार, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? जो अच्छा से शिक्षा देगा बिहार को, तब ये शिक्षा आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे कुछ आम जनता है, ऑटो वाले हैं, इनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे और इनसे जानने का कोशिश करेंगे कि इनकी क्या समस्याएं हैं और मौजूदा सरकार से ये कितने संतुष्ट हैं। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम हुआ राजेश कुमार। क्या करते हैं आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चालक हैं। आपको, आप बताइए कि आपको इस सरकार से आप संतुष्ट हैं या फिर परेशान हैं? हम तो इस सरकार से असंतुष्ट हैं। आप असंतुष्ट हैं क्यों? क्योंकि हमारा धंधा पानी चल नहीं रहा है इस लॉकडाउन के वजह से, हम लोग का धंधा। सर, ये लॉकडाउन के लिए सरकार को अब जिम्मेदार मानते हैं? और कौन है? कोरोना वायरस के वजह से, ये कोरोना महामारी आपको पता है? हाँ हाँ, कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन हुआ, तो इससे आपके व्यापार पर क्या असर पड़ा? बहुत बुरा असर है। अच्छा, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सरकार से ही मांग करते हैं, अभी जब ट्रेन चालू करने के लिए ट्रेन चालू करिए, ताकि बाहर से आवागमन हो आदमी का, ताकि हमारा रोजगार चल सके। सुबह से मैं आया हूँ, 8:30 बजे से आके बैठा हूँ। आपको क्या लगता है कि इस बार किसकी सरकार, कौन जीतेगा इस बार? इस बार जीतने की जहाँ तक की बात है,
तो आम जनता जो चुनेगी वही सरकार बनेगी। ठीक है, तो आपको लगता है कि इस बार मतलब तेजस्वी यादव आना चाहिए या फिर नीतीश कुमार को ही आना चाहिए? जो काम करे वही आना चाहिए। अच्छा, जो काम करे, तो अभी इनका कहना है जो काम करे उसी को आना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ सर? गणेश प्रसाद। गणेश प्रसाद जी, क्या करते हैं आप? हम ऑटो चालक हैं और छोटे मोटे समस्या आपस में ही सुलझ लेते हैं। अच्छा। इतनी मेरी हम में और लोग में समस्या सुलझाते भी रहते हैं। अच्छा, तो आप मौजूदा सरकार से क्या मांग करते हैं? मौजूदा सरकार से हम मांगते हैं कि विधि व्यवस्था सही रहे। अच्छा। और संचालन एक चीज तो पहले तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ भ्रष्टाचार। अच्छा। बढ़ती आबादी दो सबसे बड़ी समस्या, जहाँ आबादी ज़्यादा होगी समस्या भिन्न होंगे। तो आबादी सर्कुलेट होना चाहिए, बहुत आबादी हो चुकी है। और भ्रष्टाचार, जैसे लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी देखिएगा मांग करते हैं, सरकारी नौकरी जब मिलता है तो फिर कानी लड़का भी ऐश्वर्य खोजता है। तो ये सब चीज़ पे कंट्रोलिंग होना चाहिए, सरकार का मुद्दा होना चाहिए, आतंकवाद नक्सलवाद। बिहार में सर, बिहार में अभी आप बिहार की बात करते हैं तो यहाँ मतलब अभी आपको क्या लगता है आप इस सरकार से कितने संतुष्ट हैं? हम तो यहाँ पर देखिए 100 में 100 किसी को नंबर आप दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो क्या बोलते हैं जो अव्वल होते हैं बिहार में इंडिया में उनको भी 100 में 100 नहीं मिलता है, तो इस सरकार को कैसे मिलेगा। 10 काम इनका किया हुआ है, 10 में 8 इनका सफल है, 2 में फेल है। अच्छा, आपका नाम क्या है? आपका मिथिलेश चौधरी मेरा नाम है। क्या करते हैं? हम भी ऑटो चलाते हैं। तो अभी मौजूदा सरकार से आप कितना संतुष्ट हैं? मौजूदा सरकार से संतुष्ट तो खैर नहीं है, इसलिए कि 6 महीना से जो स्थिति बना हुआ है ऑटो वाले को बहुत बेहतर है कि। तो आपको लगता है इस बार सरकार बदलनी चाहिए? हाँ, सरकार बदलने से ही परिवर्तन हो। इसकी बार किसकी सरकार? तेजस्वी का सरकार होना चाहिए। तेजस्वी का सरकार? रॉन्ग, ये भाई साहब रॉन्ग जा रहे हैं। हम 15 साल पूरे RJD का कार्यकाल देखा है और 15 साल इनका कार्यकाल देखा है। आज तेजस्वी को कह रहे हैं नौमा पास। किसको बनना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इनसे बेटर कोई नहीं है। देखिए छात्रवृत्ति इन्होंने बांटा। चिराग पासवान को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? चिराग पासवान को लेकर आप कह दीजिएगा लव सिन्हा के बारे में क्या कहना है? ये सब राजनीति सब दुख नहीं जानता है। रामविलास दुख जानता है, लालू जी दुख स्ट्रगल किए हैं। रामविलास के ही बेटा है ना तेज? रामविलास के ही बेटा है ना? कोई हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी का बेटा अचानक आ जाए कह दे कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, उससे क्या मतलब है? जो स्ट्रगल किया वही नेता है, ये लोग स्ट्रगल नहीं किया। जो स्ट्रगल करता है वही धरती का नेता होता है। ये भी अपना बाप का नाम कर चलिए आइए, उससे बढ़िया देखिए बता देते हैं, उससे बढ़िया हम मानते हैं राम कृपाल का बेटा का। हम लोग शंकर नाम है। तो क्या परेशानी है सर आपको? परेशानी हम लोग गरीब दुखिया मजदूर हम लोग आदमी है, काम धाम नहीं मिलता है, या क्या करें हम लोग का। हम लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, किराए पर रहते हैं, किराए घर से भागा। सरकार से आपकी क्या मांगे सर? सरकार ये मांग रहे थे हम लोग रोजी रोटी दीजिए, मकान दीजिए, आपको आप कहेंगे हम लोग का। गरीब दुखिया आदमी हम लोग जनन भटकते रहते हैं। तो मतलब अभी मौजूदा जो सरकार है नीतीश कुमार की सरकार है, इससे आप कितना संतुष्ट है? संतुष्ट तो मुझे है ये सब दिन है। हाँ, हम लोग तो आपको नहीं लगता कि इस बार सरकार बदलनी चाहिए या फिर यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही चाहिए आपको? ना, सरकार बदल होना चाहिए इसमें। तो अब की बार किसकी सरकार? किसकी सरकार क्या बोला मैं को? कौन आना चाहिए, कौन होना चाहिए बिहार का मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो देखिए चला रहा है, ये अच्छा नीतीश चला रहा है, बहुत अच्छा ही तो काम किया था पहल में। हाँ, काम भी कर रहा है, अभी तक ठीक कर रहा है। बहुत सारे लोगों का बयान लिया और हमने निष्कर्ष इसमें ये निकाला है कि लोगों का यही मानना है कि सरकार किसी की भी आए बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, गरीबी खत्म होनी चाहिए। लोगों का यही कहना है कि अब की बार गरीबों की सरकार।